इंडिया में शामिल होने के लिए हर खिलाड़ी का योग्यो फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। इसमें फेल होने के कारण अंबाती रायडू और मोहम्मद शमी भारतीय टीम से और संजू सैमसन इंडिया टीम से बाहर हुए, लेकिन अब एक युवा खिलाड़ी ने योग्यो टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश और किंग्स इलेवन पंजाब के युवा खिलाड़ी मयंक डागर ने हाल ही में योग्यो फिटनेस टेस्ट पास किया है। वह इस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डागर द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक शेयर की गई एक स्टोरी के अनुसार उन्होंने योग्यो टेस्ट 19.3 के स्कोर के साथ पास किया है। इस टेस्ट को पास करने का पैमाना है 16.1 का है। भारतीय कप्तान विराट कोहली का सबसे बेहतरीन स्कोर 19 रहा है और मनीष पांडे का 19.2 जो अब तक सबसे ज्यादा था, लेकिन डागर ने 19.3 का स्कोर कर इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 21 साल के डागर टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के भांजे हैं। वह स्पिन गेंदबाजी करते हैं। 2016 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में वह भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर थे।